तो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसा गेम लाया हूँ जो कि बिल्कुल यहाँ पे फ्री फायर से मैच करता है, काफ़ी सिमिलर है फ्री फायर से। सबसे पहले यहाँ पे करेक्टर वगैरह देख सकते हो, इसका लॉबी देख सकते हो, जो यहाँ पे स्टार्टिंग का लॉबी रहता है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे चार पांच आपको करेक्टर दिया हुआ है, लियो करेक्टर दिया हुआ है, कुछ फीमेल करेक्टर दिया हुआ है, कुछ मेल करेक्टर दिया हुआ है, और इसका ड्रेसअप भी देख सकते हो अलग अलग। साथ ही साथ यहाँ पे मोड देख सकते हो, आपको कई सारा मोड देखने को मिलेगा। तो आपका जो स्टार्टिंग का लॉबी है ना वो कुछ इस तरह से लगेगा देखने में, ठीक है। और ये बिल्कुल मैच करता है फ्री फायर से, काफ़ी मिलता जुलता है, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे मोड दिया गया है, और जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से बैटल रॉयल करके यहाँ पे आएगा, और इस गेम का नाम आपको यहाँ पे गेम में पता चल जाएगा कि कौन सा गेम है। तो यहाँ पे आपको जो 30 सेकंड का लॉबी देता है ना, वहाँ कुछ इस तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड देता है, ठीक है, जहाँ पे हर गन रखा रहता है अटैचमेंट के साथ। अटैचमेंट के साथ नहीं रखा रहता है, अटैचमेंट आपको खुद से यहाँ पे उठाना पड़ता है, और आप गेम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हर गन लेके प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन सा गन कैसे चलता है, शॉटगन कैसे चलता है, ठीक है। 30 से 40 सेकंड का यहाँ पे लॉबी देता है। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे फुल मैप। फुल मैप का जब गेम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको जो मैप है वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, जहाँ पर प्लेन आपको कुछ इस तरह से जलता हुआ दिखाई देगा, और कुछ ही देर बाद आपको लैंडिंग करना है, क्योंकि अगर आप लैंडिंग नहीं करोगे तो प्लेन यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। लैंडिंग स्टाइल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिस तरह से फ्री फायर में स्टार्टिंग में था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। साउंड वगैरह हर चीज यहाँ पे देखो, सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो बीच गेम में, कर सकते हो ग्राफिक्स वगैरह बदल सकते हो, ठीक है। व्हीकल्स कंट्रोल, पिकअप यहाँ पे कंट्रोल, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो लैंडिंग स्टाइल यहाँ पे इस तरह से है, और पैराशूट देखो जिस तरह से यहाँ पे फ्री फायर ओपन होता था ना, बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह से गेम है। और जब यहाँ पे दूसरा गेम स्टार्ट मैंने किया एक और मैप, तो यहाँ पे मैप देखो अपने आप बदल गया, ठीक है। मैप का जो यहाँ पे है कलर अपने आप बदल गया, कोई दूसरा मैप आ गया जहाँ पे इस तरह से कलर है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो मैप में यहाँ पे प्लेन जल रहा है, और यहाँ पे लैंडिंग स्टाइल भी उसी तरह से है, और जो यहाँ पे लैंडिंग कर रहा है वो देख सकते हो, जो कि फ्री फायर जब 2017-18 में आया था तो इसी तरह से कुछ था। इसलिए मैंने आपको बताया कि फ्री फायर जैसे यहाँ पे बिल्कुल गेम है, जब आप खेलोगे ना तो लगेगा कि बिल्कुल डिट्टो गेम है यहाँ पे फ्री फायर का। इस गेम को आप जरूर खेलना, ठीक है। इस गेम का नाम अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को फुल देखना, अगर आप मिस करोगे तो गेम का नाम नहीं जान पाओगे, क्योंकि गेम में मैं कहीं भी यहाँ पे नाम बोल सकता हूँ, ठीक है, और मिस कर दोगे तो ऐसा गेम आप फिर कभी नहीं खेल पाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से लैंडिंग होता है, जो यहाँ पे फ्री फायर को स्टार्टिंग वाला दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना खास तो नहीं है, पर देखो यहाँ पे कंट्रोल वगैरह सारा देख सकते हो, ग्राफिक देख सकते हो, एकदम बिल्कुल यहाँ पे फ्री फायर जैसा ही लगता है गाइस। जिस तरह से 2017 का फ्री फायर है, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह से देखो, फ्री फायर 2017 में इसी तरह से विंडो में जंप नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे जब आपका हाथ खुलेगा, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, नए नए ट्रिक सीखेंगे, नया नया टिप सीखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से है। यहाँ पे पिस्तौल देखो, यहाँ पे बुलेट का एमओ वगैरह कुछ इस तरह से आपको लूट में मिलेगा, सारा अटैचमेंट देखने को मिलेगा जिस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। और यहाँ पे घर का टेक्सचर वगैरह देख सकते हो, काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस गेम को आप अगर मिस कर दियो ना खेलने में तो बहुत पैदा हो, क्योंकि ये फ्री फायर 2017-18 का खूब याद दिलाती है। उसी तरह से आपको ग्राफिक्स मिलता है, उसी तरह से आपको टेक्सचर, उसी तरह से रनिंग, उसी तरह से गन वगैरह, लॉबी, प्लेन, लैंडिंग, हर चीज़ आपको डिट्टो देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर आप जो है ना कंट्रोल जो है अपने हिसाब से कर लेना, सेटिंग कर लेना, उसके बाद आप खेलना, आपको फ्री फायर का फुल फीलिंग आएगा। फ्री फायर में भी ऐसे बड़े बड़े घास हुआ करते थे स्टार्टिंग में, याद है आपको गाइस? अगर आपको याद नहीं है तो जरूर आप मतलब मिस कर रहे हैं कुछ चीज़, ठीक है। अगर आप पुराने प्लेयर हैं तो जरूर याद होगा कि इसी तरह से बड़े बड़े घास स्टार्टिंग में हुआ करता था, पिक का प्लेस ऐसा ही हुआ करता था, कैटलिस्ट हुआ देखो यहाँ पे, छोटे छोटे ब्लॉक हुआ करते था, इस तरह से यहाँ पे मैप हुआ करता था, बादल, घर, काफ़ी मिलता जुलता है गाइस। इस गेम का अगर आप नाम जानना चाहते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी भी बोल सकता हूँ मिस मत करना, ठीक है। और इस गेम का साइज़ ज़्यादा नहीं है, इस गेम का जो साइज़ है ना वो 150 से 200 MB है, ज़्यादा नहीं है। मतलब जिस तरह से फ्री फायर में हमें स्टार्टिंग में भी देखने को मिला था उसी तरह से इसमें है। अब जब मैंने तीसरा मैप खोला तो तीसरा मैप भी यहाँ बदल गया, मतलब तीन मैप तीन तरह का है देखो। और इसमें यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह देखो, इस पर प्लेन तो मैंने दिखा दिया किस तरह से जलता हुआ है, और इसमें यहाँ पे आपको टैंक भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये टैंक चलता नहीं, बस ये शो के लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार के यहाँ पे टैंक रख दिया हो, या फिर यहाँ पे टैंक थोड़ा मरम्मत करना बाकी हो, इस तरह से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैंक देखने को मिलेगा, फिर व्हीकल्स,
व्हीकल्स यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से है, जहाँ पे चला सकते हो। यहाँ पे हर तरह का व्हीकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना भी व्हीकल्स होता है ना फ्री फायर में, सारा का सारा व्हीकल दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देखना। तो इस गेम में आप जरूर जा सकते हो, क्योंकि इसका साइज जो है 150 से 200 MB है, और फ्री फायर जब स्टार्टिंग में भी आया था तो वो 53 MB 53 MB का था। तो ये गेम भी साइज में 150 से 200 MB है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक थोड़ा अच्छा खासा दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 GB RAM में भी ये गेम आसानी से चल सकता है, ठीक है। 2 GB 4 GB 6 GB में तो एकदम स्मूथली काफ़ी चलेगा, और 2 GB में भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ 150 MB का है, तो यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। और बंदे जो है आपको सामने से कुछ इस तरह से मारेगा तो ब्लड इस तरह से दिखेगा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मार सकते हो, देखो मैं यहाँ पे मर गया, क्योंकि मुझे गेम यहाँ पे इतना अभी खेल नहीं पा रहा था, हाथ नहीं बैठा था। धीरे धीरे कंट्रोल में सीखूंगा उसके बाद। यहाँ पे देखो ट्रेनिंग चैलेंज भी दिया हुआ है, टीम डेथ मैच दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो ग्राफिक्स देख सकते हो, इसमें जो पेड़ पौधे है ना, टेक्सचर वगैरह, घास वगैरह है, ग्रीन वगैरह, वो काफी अच्छा है, और फ्री फायर 2017-18 से काफी अच्छा मिलता जुलता है, ठीक है। और इसमें कई नए नए प्लेसेस हैं, इसमें बीमा शक्ति भी है, ठीक है, बीमा शक्ति। और देखो पीक साइड है, माउंटेन है, मतलब काफी यहाँ से अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा गेम मैंने आज तक नहीं देखा है जो कि फ्री फायर से डिटो मिलता जुलता हो। बस कुछ कुछ प्लेसेस अलग है, जैसे इस तरह का प्लेस हमको फ्री फायर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर चीज फ्री फायर जैसा ही लाए। अगर डिटो अगर फ्री फायर का कॉपी ये ले आए तो ये दूसरा गेम क्यों कहलाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ चेंज करना होता है, पर यहाँ पे यही देख के इस गेम को लाया है कि फ्री फायर की जितना ऑडियंस है इसमें शिफ्ट हो सके, ये गेम को खेले। ये गेम बहुत ही अच्छा, आप देखो बैठ के देखो ऐसे यहाँ पे छुपा छुपी जा सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे घर का जो दरवाजा वगैरह है ना, घर का जो डिजाइन वगैरह, वो थोड़ा सा पबजी से मिलता जुलता है, लेकिन जो बैठना उठना गोली चलाना व्हीकल्स वगैरह, और यहाँ पे जो कलर टेक्सचर है, यहाँ पे ग्राफिक्स है, वो फ्री फायर से मिलता जुलता है, ठीक है। तो दोनों गेमों को यहाँ पे देख के बनाया गया है। यहाँ पे देखो कई सारे माउंटेन है, छोटा मोटा घर है, पेड़ वगैरह देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो इस गेम का नाम है बैटल रॉयल 3D Warrior 63, ठीक है। ध्यान से देख लेना, पीछे करके आपको मैंने गेम का नाम बता दिया, ठीक है। और इसका यहाँ पे मैप वगैरह देख सकते हो, मैप का नाम देख सकते हो, स्टॉम पाम करके है। इसका यहाँ पे रोड देख सकते हो, रोड यहाँ पे काफी ज्यादा न्यू टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये घर देखो कुछ स्कूल यहाँ पे टाइप का दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया कि इसका जो कुछ घर है ना वो यहाँ पे पबजी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो हर चीज है वो यहाँ से फ्री फायर से मिलता जुलता है। तो पबजी प्लेयर के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल दिया, और ज्यादातर यहाँ पे फ्री फायर वाले प्लेयर के लिए डाल दिया कि यहाँ पे खेल सके, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये गेम अच्छी लगी हो ना तो ये गेम को जरूर खेलना, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री फायर 2017-18 का जिस तरह से है डिटो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉपी लगता है, उसी तरह से गेम लगता है। तो धीरे धीरे इस गेम को भी इवोल्यूशन होने में टाइम लगेगा, अगर आप इसमें जुड़े रहोगे तो ये गेम काफी ऊपर जाएगा। तो जरूर इस गेम को ट्राई करना, ये गेम आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा आसानी से, जहाँ पे 150 से 200 MB साइज है, और इस गेम को आप यहाँ पे इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हो, ठीक है। इस गेम का साइज मैंने आपको बता दिया, और ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पे लॉबी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पे अच्छे अच्छे ड्रेस देखने को मिलेगा, अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा, मेल टू फीमेल कैरेक्टर, अलग अलग लॉबी देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स, कस्टमाइजेशन, सेटिंग वगैरह हर चीज यहाँ पे डाला हुआ है स्टार्टिंग में। तो इस गेम को एक बार आप जरूर ट्राई करना, प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी तरह का गेम अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं आपको इसी तरह से फ्री फायर या पबजी जैसा या फिर कोई अदर बेटर लॉन गेम लाते रहूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।